बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सदन में बैठ कर के मुस्कुराते हुए भाजपाइयों का खूब मजा लिया है और तेजस्वी यादव से खूब भाजपाइयों को आवाज़ सुनवाई है। इसके साथ आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, क्या कुछ उन्होंने बड़ा कमाल किया देश के लिए विस्तार से नजर डालेंगे। और अगर आपकी भी बकाए बिजली बिल जी हाँ 10,000 से ज़्यादा है तो आपके बिजली घरों का कनेक्शन काटा जा सकता है, इसकी भी जानकारी सामने निकल करके आई है। खबर पर बातचीत करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का फिर से एक उद्घाटन, अब यह महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी के एक बार फिर से नई रणनीति की हो रही चर्चा के विषय बने तमाम कुछ बातों को लेकर के। तो छोटी बड़ी सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि आज उत्तर प्रदेश में देश में जातिगत जनगणना कराई जा रही है, लेकिन जातिगत जनगणना जब बिहार में हो रही है और तेजस्वी यादव इसे करा रहे हैं तो कई अन्य चीज़ों पर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज सदन के अंदर अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यही भाजपा वाले लोग जो हैं किसी वक्त में हमेशा से नीतीश कुमार जी की तारीफ किया करते थे और चाचा और भतीजे के रिश्ते में कभी टूट तो आई ही नहीं। एक बार की बात है कि सदन में मैं कुछ बोल रहा था तो उन्होंने कहा कि बाबू बैठ जाओ, तुम हमारे से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने नीतीश कुमार जी का सम्मान करते वक्त उस वक्त बैठ गया था। अरे मुझे पता है कि सम्मान कैसे दिया जाता है, मैं जानता हूँ कि सम्मान की बातों को कैसे रखा जाता है। मैं किसी को अशब्द बोल ही नहीं सकता क्योंकि मुझे वो संस्कार नहीं मिले, और जिन लोगों को संस्कार मिला हुआ है आप देख रहे हैं ना, फलनवा सिंह का गुट, फलनवा बबुआ का गुट, वो तो फलनवा बबुआ का गुट भाजपा में चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ मची है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे बुरी तरीकों से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार उस वक्त से फंसते हुए नजर आ रहे हैं जब से उन्होंने 2015 में फीडबैक के नाम से एक चीज़ों को ये किया था कि सरकार के बारे में फीडबैक जाना जाए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहा है कि वह जासूसी करवा रहे हैं और अपने लोगों से जासूसी जो करवा रहे हैं इससे ही उनकी सरकार चलती है। जासूसी के लगे जाने आरोपों के बाद में अब इन सभी मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की जाने लगी है। यह सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिरकार जासूसी जो करवाई जा रही है, जो जासूसी की बात सामने आ रही है, ये जासूसी किसने करवाई है और कब करवाया गया है, इस जासूसी को करवाने वालों का नाम क्या है। सवाल इतने सारे और इतने सारे सवालों का जवाब सीबीआई को देना है। सीबीआई ने जासूसी के आरोप में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को घेर लिया है और अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती यहाँ से शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष की बार बार बातचीत होती है, लेकिन आज बातचीत हो रही है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष और क्यों अमित शाह बन गए हैं, नेता प्रतिपक्ष क्यों नरेंद्र मोदी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की किसी भी बातों को हमेशा से बेबाकी के साथ रख देते थे, लेकिन वह जब से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उनकी बातों को उन्होंने जवाब दिया हो। ऐसे में माना जा रहा है कि जब जब कोई सवाल पूछा जा रहा है तो सोनिया गांधी के काल का, राहुल गांधी के काल का, वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल का कुछ बातों को गिना करके और ये चाहते हैं कि सब कुछ सिमट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ सिमटना इतना आसान नहीं हो सकता और इसे नहीं सिमटा जा सकता। तो सवाल ये भी है, अमित शाह ने जवाब नहीं दिए और अमित शाह सदन में राज्यसभा में जो राहुल गांधी ने अडानी वाले जवाबों को मांगा इस पर कुछ भी बोलने से वंचित रहे, अपना मामला इस पर पाल रहा झालते नजर आए उन्होंने। बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में की गई है और दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के साथ उन्हें रियासत में लिए जाने के मुद्दे अब इस वजह से हैं। जम्मू कश्मीर की एक जानी मानी हस्ती हैं वो और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हक के लिए महबूबा मुफ्ती बातचीत कर रही थी, लेकिन उस दौरान महबूबा मुफ्ती को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया और महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखा गया।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही जीतन राम मांझी को लेकर के। जीतन राम मांझी ने बाकायदा बीजेपी के साथ जाने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। जीतन राम मांझी मानते हैं कि बिहार में चलाई जाने वाली योजनाएं सुपर डुपर फ्लॉप है। वह नल जल योजना हो या फिर संपूर्ण शराबबंदी हो या फिर सात निश्चय वाले कामों हो, इन कामों में कोई सफलताएँ नहीं मिली है और ऐसे में इस पर जो है बहुत जल्द वह बीजेपी में शुमार हो सकते हैं। खबरें ऐसी हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता की बात सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के लिए पार्टियों को मना लेगी और जातिगत जनगणना कराने के लिए कोशिश किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो हमारी सरकार बने जाने के बाद में हम लोग जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। हम लोग जातिगत जनगणना के लिए ये हैं और हम लोगों की च्वाइस है, हम लोगों की ख्वाहिश है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। तो जातिगत जनगणना के लिए एक तरीके से लग चुके हैं और जातिगत जनगणना कराने की मांग जो है वो की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जातिगत जनगणना क्या सचमुच होगा, क्या जातिगत जनगणना की जो मांग है इन मांगों को पूरा किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं जातिगत जनगणना से लेकर के तमाम अन्य कई सवाल जो समाजवादी पार्टी को देना है और देखने वाली चीज़ें होंगी कि किस तरीके से इसे दिया जाता है। बड़ी खबर यह है कि आज नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय नेशनल कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी बातों को रखा है। एक बैठक बुलाई गई जिसमें 15 पार्टियों ने शिरकत किया है और विपक्षियों के एकता के साथ एक सूत्र में बांधने के साथ विपक्ष को कैसे मजबूत करना है ये तो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अगर विपक्ष एक एकजुटता ले लेता है और एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए 24 का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आज फिर से पेट्रोलों में बढ़ोतरी हुई, वो एक रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके साथ साथ दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंचा है। ऐसे में दिल्ली की सरकारों ने जहां 100 से नीचे पेट्रोल को रखने का सौगात ही जैसे ले लिया हो तो तमाम अन्य राज्यों में पेट्रोल की एक एक पैसों ने लोगों के दिलों पर चोट मारते नज़र आ रही है। लोगों के दिलों पर एक बार फिर से पुनः बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है और लोग कुछ भी सोच समझ करके चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन आता है जनगणना और जनगणना का मुद्दा तो केंद्र सरकार ही देखेगी। केंद्र सरकार जो चीज़ों पर डिसाइड करेगी वो काम हम करेंगे। केंद्र सरकार अगर हमें जातिगत जनगणना के लिए कहती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, अन्यथा जातिगत जनगणना का कोई मुद्दा नहीं बनता और हम लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ ने सिरे से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, ग्राम पंचायतों में भी लगाए जाएंगे सोलर स्ट्रीट लाइट और गांवों को भी शहरों के तर्ज तौर तरीकों पर डेवलप किया जाएगा। शहरों के प्लेटफॉर्म पर गांवों को रख करके हिंदुस्तान के गांवों को भी अब जो है जगजगाने का एक मौका मिल सकता है। ग्राम पंचायतों तक इस योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। डस्टबिन की गाड़ी घर घर तक पहुँचे और इसके साथ साथ कूड़े कबाड़े समेत सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएँ हों इसकी पूरी समुचित जानकारी अब भेजा जाने वाला है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने राज्यसभा में कहा कि राज्यसभा में हंगामे के बाद में सदन में हुई कार्रवाई पर राहुल गांधी ने अफसोस जाहिर किया। कहा कि अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी अब कुछ जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि अडानी हमसे नाराज हो जाएंगे और अडानी को नाराज ना होते देख कैसे भैया मोदी जी रह सकते हैं। बड़ी खबर की है। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के पशुपति पारसनाथ को साइड करने का मौका तलाश लिया है। अब पशुपति पारसनाथ के लिए एक एक दिन आखिरी दिन के तौर पर हो रहा है और बहुत जल्दी पशुपति पारसनाथ यहां से अपने बोरिया बिस्तरों को बांध करके सिमट कर पतली गली से निकलने को तैयार है क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है केंद्रीय मंत्रिमंडल से हाथ धोना है और ये पता चल चुका है कि अब चिराग पासवान अगले उत्तराधिकारी होंगे। ऐसे में अगले उत्तराधिकारी चिराग पासवान के हुए जाने पर उनको बड़ा अफसोस दिखाई दे रहा है। खबरें ऐसी हैं।
बड़ी खबर यह है नीतीश कुमार को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को एक बार फिर से सदन के अंदर से मुस्कुरा कर जवाब दिया है। जब सदन में बैठे हुए थे नीतीश कुमार और सदन में भरे बवाल के बीच में लगातार तेजस्वी यादव गला फाड़ यह कह रहे थे कि चाचा और भतीजे के बीच में कभी भी तूतू मैमे हुई ही नहीं। जो लोग तो ये कह रहे हैं कि तूतू मैमे हुई, वो हमें ये भी बता दे कि कब हुई। अरे हमने तो हमेशा से, हमारा उठा लीजिए वीडियो और देख लीजिए कि हमेशा से मैंने चाचा का सम्मान किया, जब उन्होंने जैसा इशारा दिया तब मैंने वैसा किया। ऐसे में इशारों के साथ आगे मैं बढ़ा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद।